हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका निखिल मॉम ब्लॉग में। और फिर से आ गई हूँ मैं अपने नई वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगी पूरा मैं सुबह से क्या क्या करती हूँ। और डेली ब्लॉगिंग का बहुत दिनों से नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि कभी कुछ इवेंट हो जा रहा था। तो मैं आज आपको दिखाऊँगी सारा क्या करती। कभी कभी तो मन करता है ना, तो रोज़ का यही काम होता है। रोज़ और सुबह उठो तो यही काम। देख सकते हैं घर मेरा भी इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ कम्बल वैसी पड़ा हुआ है, ये सोफा वोफा भी बस ऐसी हैं, ये देख सकते हैं आप। और अंदर का हाल देख सकते हैं, बेडरूम का भी ये हाल हो रखा है। जैसे अस्त्री व्यस्त हो रखा है, बर्तन ऐसी पड़े हैं, कुछ बर्तन धो दिए हैं सुबह के चाय पानी के। अभी नहा लिया है मैंने, नहा के मैं क्या करती हूँ दिखाऊंगी आपको। देखो मैंने सिंदूर विंदूर भर के फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा का घर मैंने साफ सुफ कर लिया है, ये देख सकते हैं। इधर पूजा की तैयारी हो रखी है मेरी, तो अब पूजा करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। कि फूल भी नहीं सूखे हुए हैं जो गिफ्ट में आए हुए थे, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी है ना, तो इसलिए नहीं सूखे हुए। गर्मी होती ना तो ये तो पूरा मुरझा जाता है, दूसरी नहीं खराब हो जाते। पर ठीक है, अभी शो आ रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर आटा रखा हुआ है, बहुत दिनों से ही आंटी लोगों का है तो गया नहीं है अभी। सभी लेडीज़ों को सभी लोग यही बोलते हैं कि तुम करते क्या हो। देख सकते हैं हम लेडीज़ों का सुबह उठ के क्या काम होता है। पुलिस वालों की तो छुट्टी होती है, हम लोगों की छुट्टी भी नहीं होती है। 365 दिन हमें चलते रहना होता है। और अभी मैंने सुबह सुबह उठ के नाश्ता वास्ता बना दिया है निखिल के लिए। निखिल को स्कूल भेज दिया है। और अब मैं देख सकते हैं निखिल को आज पूरी ले जानी थी, तो ये मैंने पूरी बना दी है। और इधर देख सकते हैं तेल बापू को खाना था चिल्ला, तो मैंने यहाँ पर चिल्ले की कर दी है तैयारी, ये देख सकते हैं। और कैसे बनाती हूँ मैं चिल्ला दिखाऊँगी आपको, ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन, और इसमें कुछ नहीं करना होता, चिल्ला में बेसन और थोड़ा सा हरी मिर्ची, जितने आपके पास वेजिटेबल्स हैं तो वो डाल दो, बस हो गया। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि मतलब घर का काम भी है, और उसके फिर उसके बाद ब्लॉगिंग करना होता है, एडिटिंग करना होता है, फिर आते तो थोड़ा सा मन खराब हो जाता है। तो आप हमारी वीडियो को देखें, प्यार करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ आगे भी पूजा करके। तो गाइस देख सकते हैं पूजा मेरी हो गई है, और अब देखती हूँ सारा काम हमें बताना है। आज मन कर रहा है, नहीं करती हूँ काम, डर जाती हूँ, पर फिर क्या करें। हर रोज़ तो यही सोचना पड़ता है कि नहीं करें, पर करना तो हमें ही है, करना पड़ेगा। उठो और काम। और स्टार्ट करती हूँ इस बेडरूम से, इसको पहले कपड़े कपड़े ही कपड़े, यहाँ देखो कपड़े, वहाँ देखो कपड़े, यहाँ देखो कपड़े। दिमाग खराब, तो इतने छोटे छोटे घर लेट ऐसे रहेगा ये। जो बिस्तर में सोता है इसको सही भी कर देना चाहिए वैसे थोड़ा बहुत, या कहीं पे लिखा गया है हम ही करेंगे सही। किसको नहीं करना, मेरे को भी सही नहीं करना है, सारा काम सही नहीं करना है। लेट जाऊँ फिर बैठ जाऊँ, आज मैं भी बैठ जाती हूँ यहीं पर, मैं भी बैठ जाती हूँ। काम धाम छोड़ दें, देख सकते हैं कितनी बार लेट गए भाई, ये कम्बल तक भी सही नहीं कर देते, क्या कर सकते। जल्दी दे देना आप, ठीक है? हाँ सर, हमारे 365 दिन की छुट्टी भी नहीं होती है, संडे की भी छुट्टी नहीं होती है। ये महंगाई के जमाने 25 रुपये माम क्या करी। देख सकते गाइस 5 रुपये मतलब 25 रुपये महीना। अब पर डे कितने रुपया पड़ा हो, 50 साल मतलब 75 पैसा मिलता है, 75 पैसा। ये हाल हो रखा है, देख सकते हैं दीवारों का हाल, देख सकते हैं ये पूरा हमारा चिल्ला ना की ये हाल हो रखा है। देख सकते हैं मैं चिल्ला बनाने जा रही हूँ, कैसे बनाते बेसन का चिल्ला दिखाऊंगी अभी आपको। तो गाइस देख सकते हैं इसमें मैंने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा तेल, ऐसे करके डाल दिया पहले ही। अब मैं देखो इस तरह से फैला दो, ये पतला पतला कोई भी शेप दे दो, ये इस तरह से। अब इस तरह से एक तरफ सिक जाएगा, फिर दूसरी तरफ हमने इसे सेक लेना है, बस बन गया चीला। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी भी होता है, और डाइट जो डाइट प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी सब्जियां भर दो जो जो तुम्हारे पास है। हमारे पास तो अभी इतना था, प्याज टमाटर थोड़ा बहुत यही डाला है मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में, मिर्चा। ये देख सकते हैं नीचे थोड़ा तेल लगा दोगे ना तो चिपकता नहीं है, ये इस तरह से इसको बना देते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा शेप भी आ गया, कितना अच्छा कलर भी आ गया, और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। अब मेरे को तो 25 रुपये महीना सैलरी नहीं, 25,000 सैलरी चाहिए, ठीक है? फिर ऐसा नाश्ता नहीं मिलेगा, चिल्ला वाला मडवे की रोटी मिलेगी। हाँ हैं, सैलरी बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? आज मैं कर रही हूँ सैलरी के लिए डिस्कशन, मेरे को सैलरी चाहिए 5 रुपये बढ़ाओगे? नाश्ते के हिसाब से बताओ। नाश्ते के हिसाब से 2 रुपये बढ़ेंगे, इतना घटिया भी नहीं हो रहा है वा। बताओ 25,000 की बात हो रही है, 25 रुपये देने की सोच रहे हैं, सभी लोग सुनेंगे ना कि कैसा बना है। सही लग रहा है, सही लग रहा है, मस्त है।
ऐसी झूठी तारीफ नहीं करनी है कैमरे के सामने, मतलब 10% है या मतलब 10 में से कितने नंबर मिलेंगे? 8। चलो तब तो सही है, पास हो गई। मैं भी कर रही हूँ हेल्दी नाश्ता, चिल्ला बनाया हुआ मैंने आज, ये देख सकते हैं मस्त सा। तो गाइस देख सकते हैं आप टेबल भी और ये बिस्तरा भी और इधर सोफा भी और कालीन भी, झाड़ू वाड़ू सब मेरा लग गया है। और ये देख सकते हैं आप इस तरह से यहाँ पर निखिल के मेडल रखे हुए हैं और राधा कृष्ण की मूर्ति मेरे को मिली हुई जो है हमारी फ़ोटो फ्रेम मैंने एनिवर्सरी पे बनाई थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। और देख सकते हैं साफ़ सफाई सारी हो गई है मेरी। और ये देखिए बेड भी अब साफ कर दिया है। सब लोग चले जाते हैं तब आराम से काम करने का सही लगता है। और देख सकते हैं हस्बैंड भी निकल गए हैं ड्यूटी के लिए। और अब गर्म सर्दी आ गई है तो हम लोगों ने ये देखे बेडशीट भी ये वाली बिछा दी है। और ये देख सकते साफ सुथरा मेरा बेड हो गया है और घर गृहस्थी साफ सुथरा हो गई है। अब ये देख सकते हैं ये बाहर वाला रूम भी साफ हो गया है इस तरह से। यार क्या करें, काम करना ही पड़ता है, डेली का डेली वही काम होता है, पर चमका दिया है। और इधर निखिल का लंच भी बन गया है, अब है निखिल को लेने जाना है। और गाइस देख सकते हैं ये है ना चाय पत्ती का, जो हम चाय पीते हैं उसको धो के फिर इसको रख दो। इससे तो मैं क्या करती हूँ ना पेड़ों में डालती हूँ, पेड़ों में इससे क्या बनती है ना खाद बनती है। और मैं दिखाती हूँ गांव में तो क्या है, उत्तराखंड में हमारे यहाँ नेचुरल खाद है तो यहाँ पे इसी से काम चलाना होता है। अब मैं किस तरह से डालती हूँ, ये देखिए इस तरह से इसको डाल दो। और ये देखिए हमारे प्लांट, हम इसी चीज़ का खाद बना के इस तरह से प्लांट यहाँ पर ग्रो करते हैं, देख सकते हैं। ये छुट्टी जो है 2:15 में होती है तो अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं उसमें थोड़ा बहुत अपने लिए 5 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, बाल बाल सही कर लेती हूँ, फिर चलते हैं स्कूल की ओर। देखिए दाल चावल के साथ आज मैंने थोड़ा सूखे आलू भी बना दिए हैं निकल के लिए, ये देख सकते हैं ये हमारे यहाँ बहुत चलते हैं। ये इसमें थोड़ा भांग की चटनी हो जाए और रायता हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और देख सकते हैं ये बनाया मैंने, स्कूल जा रही हूँ लेने बच्चों को। और देख सकते हैं अब हम स्कूल की रोड क्रॉस करना चौराहे पे, चलो चलो चलो। देख सकते हैं हमने भांग का नमक बनाया हुआ है यहाँ पे और भांग का नमक के साथ हम खा रहे अमरूद। देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े अमरूद मिलते हैं। और यहाँ पे नोएडा में ना सारे पैसे चाहिए बस, सब कुछ मिल जाता है हमारे पहाड़ की तरह ही। पैसा और स्वाद और डालना है, इतना नमक और लो भाई इतना नमक खा रहे जो हाथ दे बोलो ना ये देखा खाई जा रहा कम से कम 4 पहरवाड़ है ना। स्टेडियम देख सकते हैं आप, हवा तेज चल रही है, शाम होने लग गई है और अब निखिल के साथ जा रही हूँ फुटबॉल क्लास। और देख सकते हैं हमारी लाइफ, आज मैं अपने लाइफ तरह से अब यहाँ पे धुंध होने लग गई धीरे धीरे, अब जो है सूर्य भगवान भी जाने वाले हैं। ये स्टेडियम से आ गए हैं, अब निखिल गया है ट्यूशन क्योंकि उसका ना जैसे हम 6 बजे वहाँ से आते हैं स्टेडियम से तो फिर तुरंत उसको भागना होता है ट्यूशन के लिए, और वो गया हुआ है ट्यूशन। और अब मैं भी करती हूँ अपना पूजा वूजा फिर करती हूँ। खाता खुल गया है, अब मिल रहा है क्या मेथी शुद्ध धनिया विनोद का ले दिया उन्होंने थोड़ा, पालक है ओ बाबरे, राई लाई सरसों लाई क्या रखी है इसमें, क्या है रे काले भट्ट, काले भट्ट ये है बड़ी, ये देख सकते हैं ताजा ताजा पालक, ये भी आ रखा है सामान। देख सकते हैं दोस्तों आज जो है निखिल की बुआ ने ये देख सकते हैं ये भट्टे रखे हैं काले भट्ट, ये अखबारों ने भट्ट चुरकानी। और देखो बड़े बड़े भी कदी बढ़िया मस्त बड़े भी जहान, और इतने भेज रखी है गहत की दाल और इसमें है अंदर, अभी मैं इसको निकालूंगी नहीं काम बढ़ जाएगा, इसमें है गडेरी देख सकते हैं बहुत सारी जावा है, ताज़ा ताज़ा मेथी और ताज़ी ताज़ी देखो धनिया कितनी सुंदर सी हरी हरी, और ये सारा सामान उन्हें भेज रखा है। और हम इस वीडियो के थ्रू उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इसी तरह से उनको भगवान खूब ताकत दे और वो मतलब खेती करते रहे हमारे सामान भेजते रहे। और ये देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने भेजा हुआ है सामान, आज तो खूब मजे ही आ नहीं था कि वो सामान आने वाला है, उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया जब सामान भेज दिया गाड़ी में, तब बोला कि सामान हमने यहाँ से भेज दिया है। और ये देख सकते हैं ये इस तरह से दाल वाल भेज दी है, हो गया है मेरा
हफ्ते भर 2 महीने तक के खाने का, दाल वाल तो बहुत चल जाएगी। और बड़ी देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सी, ये देख सकते हैं। निखिल पढ़ाई करने लग गया, अपना स्कूल का होमवर्क करने लग गया। अब निखिल बोल दे बुआ को थैंक यू, जल्द से बोल दे यार, सुनाई नहीं देगा उनको। हैं क्या, थैंक यू बुआ इतना सामान भेजने के लिए ना। होने लगी डिनर की तैयारी। अब ये है देखो, मैंने ब्रोकली और इसका सैलेड टाइप में भी, सब्जी टाइप में भी बना दूंगी, क्योंकि इसके पापा दिन भर जॉब जाते हैं ना, तो उनको हेल्दी खाना है, तो मैंने भेजा बना दिया है, बनाऊंगी अभी। ये ब्रोकली लिए है मैंने, और ये देखो शिमला मिर्च लिया है, और ये चुकंदर लिया है, और ये प्याज की पत्ती लिए है, और इसी में डाल दूंगी एक हरी मिर्च भी, और इसमें डालूंगी मैं ये टमाटर। और अब दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं। तेल गरम हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी ये लहसुन की 2-4 कलियाँ, लहसुन भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब बाकी ये फ्रूट इसमें जी मैं बना लो, कुछ भी बना सकते हो इसका। ये मेरे को थोड़ा सा इसमें वो कर लूँगी, देख सकते हैं अभी, देखो मैं कैसे करती हूँ। देखते हैं, इस तरह से बन गया है सैलेड, और इसको आप रोटी के साथ खाओ या वैसे ही खाओ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मस्त लगता है। पूछिए, ये खाते हैं डेली, कैसा लगता है ये? सही लगता है, बहुत मस्त होता है ये, देना हेल्दी भी है। पीना हो गया है, अब इतने बर्तन हैं, क्योंकि मैं रात के बर्तन रात को ही धो देती हूँ, शास्त्र में लिखा गया है तो रात के बर्तन रात ही धो। तो ये तो किस्सा है, घर लक्ष्मी आती है बोलते हैं, हमारे घर तो आती नहीं है इतनी अच्छे से, पर थोड़े बहुत आई जाती है, काम चलाओ तरीके से, और इसलिए हम रात को ही बर्तन धो देते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली 11:30 बजने वाला है, और मेरा सारा काम निपट गया है। ये देख सकते हैं बर्तन वर्तन मैंने साफ कर दिए हैं, किचन एकदम क्लीन कर दिया है। अभी मैं थोड़ा खाना खाने के बाद ना थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ, तो गर्म पानी रख दिया है, हो गया है गर्म पानी, मैं इसको भी ऑफ करती हूँ। और फिर ये देख सकते हैं ये लोग तो सो गए हैं, फ्रश गए हैं, और इधर देख सकते हैं, अब मेरे को मेन गेट पे ताला वाला लगाना है। ये देख सकते हैं सुबह से लेके शाम तक ऐसी हालत हो जाती है, फिर भी लोग बोलते हैं करते क्या हो। अब गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक ले बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ, और शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें वीडियो के अंत तक, पूरी वीडियो देखें गाइज, बहुत मेहनत करते हैं। अब थोड़ा एडिटिंग भी करनी है, एडिटिंग करके फिर सोती हूँ। अभी घड़ी में बज गया है 11, तो एडिटिंग करने तक बच जाएगा 12, फिर सुबह उठना होता है 5 बजे। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बने रहे वीडियो के अंत तक, बाय।